हेलो एंड वेलकम एवरीवन। क्या तो कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है युवराज सिंह ठाकुर और मैं आपको वेलकम कर रहा हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल युवराज सिंह ठाकुर में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज या बेस्ट क्वेश्चन सीरीज के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, जिसके लेक्चर नंबर 4 में मैं आपका बहुत ही बहुत स्वागत करता हूँ। फर्स्ट 2 लेक्चर्स में हमने सॉल्यूशन चैप्टर खत्म किया था और पिछले लेक्चर में हम लोगों ने केमिकल काइनेटिक्स के चैप्टर के साथ शुरुआत की थी। आज हम केमिकल काइनेटिक्स के इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। हम लोग व्हाट इज केमिकल काइनेटिक्स, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, रेट लॉ देख चुके थे। थर्ड मार्क्स के क्वेश्चन में फैक्टर्स हम लोगों ने देख लिए थे। डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिकुलरिटी भी हम लोगों का फिनिश हो चुका था। आज हम लोगों को जो स्टार्ट करना है वो करना है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कॉन्स्टेंट। इस क्वेश्चन के साथ आज हम लोग करेंगे अपनी शुरुआत। रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कॉन्स्टेंट अल्टीमेटली होता क्या है? तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कॉन्स्टेंट हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। तो इट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ कंजम्पशन ऑफ रिएक्टेंट और फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट अप टू यूनिट टाइम। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है कि रेट ऑफ रिएक्शन को अगर आप लोगों को डिफाइन करने के लिए कहा गया है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा कि रेट ऑफ रिएक्शन मतलब कि रिएक्टेंट का कंजम्पशन और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन जितने टाइम में हो रहा है उसे क्या कहा जाता है, उसे रेट ऑफ रिएक्शन कहा जाता है। वहीं अगर हम लोग रेट कॉन्स्टेंट के बारे में बात करें तो रेट कॉन्स्टेंट क्या होता है, तो रेट कॉन्स्टेंट जो है इज प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट इन डिफरेंशियल फॉर्म इन द रेट लॉ और रेट इक्वेशन। रेट कॉन्स्टेंट आपका क्या होगा, तो रेट कॉन्स्टेंट आपका होता है प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट। देखो, इसमें कॉन्स्टेंट वर्ड जो ऑलरेडी लगा हुआ है इसलिए इसमें कोई उस चीज़ में तो किसी भी चीज़ के डाउट का तो कॉन्सेप्ट बनता ही नहीं है। ये क्या होगा कॉन्स्टेंट, और रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन ही होता है उतना, मतलब एक सर्टेन टाइम में रिएक्टेंट का कंजम्पशन होकर प्रोडक्ट के फॉर्मेशन को हम लोग क्या कहते हैं, उसे रेट ऑफ रिएक्शन कहा जाता है। सेकेंड पॉइंट के बारे में बात करें तो सेकेंड पॉइंट आप लोगों का क्या कहना है, तो इट डिपेंड्स ऑन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट अ पर्टिकुलर मोमेंट। कि आपका जो रेट कॉन्स्टेंट है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो मेनली डिपेंड करता है कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर। सॉरी, रेट ऑफ रिएक्शन मेनली किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड करता है। वहीं रेट कॉन्स्टेंट जो होता है वो क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है किससे, आपके कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें तो जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ती जाती है वैसे वैसे रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता जाता है, कम हो जाता रहता है, और रेट कॉन्स्टेंट उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। रिएक्शन कैसे भी हो, रेट कॉन्स्टेंट की जो वैल्यू है वो हमेशा कैसे रहेगी, बराबर। इसमें वर्ड ही जो है वो कॉन्स्टेंट लिखा हुआ है, यानी कि वैल्यू जो है वो हर मोमेंट पर कैसी होगी, कॉन्स्टेंट होगी। रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट की बात करें तो मोल लीटर इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स होती है। वहीं रेट कॉन्स्टेंट की जो रिएक्शन के हिसाब से जो इसकी वैल्यू है वो क्या हो जाती है, चेंज होती जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जब बात करते हैं तो जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है डिफाइन हाफ लाइफ पीरियड एंड एक्सप्लेन हाफ लाइफ पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कि हाफ लाइफ पीरियड क्या होती है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ पीरियड को क्या करना है, हम लोगों को डिफाइन करना है। तो देखिए क्या होता है हाफ लाइफ पीरियड, तो इट इज द टाइम पीरियड ऑफ रिएक्शन ड्यूरिंग विच द कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज रिड्यूस्ड टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल कंसेंट्रेशन। हाफ लाइफ पीरियड में बहुत सारे लोग ये सोच करके कंफ्यूज हो जाते हैं कि हाफ लाइफ पीरियड वो टाइम होता है जिसमें जो रिएक्शन है वो क्या, रिएक्शन मतलब 10 मिनट में हो रही है तो वो क्या हो जाए आधा, पर हाफ लाइफ पीरियड का मतलब वो नहीं होता है। हाफ लाइफ पीरियड का जो एग्जैक्ट मीनिंग होता है वो क्या होता है कि ये वो टाइम होता है जिसमें जो रिएक्टेंट है आपका वो एग्जैक्टली हाफ हो जाए। मतलब जैसे आपने किसी भी मान लो कि रिएक्शन करवाने के लिए कोई 10 मॉलिक्यूल्स हो, तो जितने टाइम में वो 10 मॉलिक्यूल्स 5 मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे वो उसका क्या कह रहा है हाफ लाइफ पीरियड। जैसे आप रिएक्शन करवा रहे हैं 10 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन की किसी चीज़ के साथ में, मान लेते हैं हम लोग 10 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन का रिएक्शन आपको करवा रहे हैं, तो 5 मिनट के अंदर अगर वो 10 मॉलिक्यूल 5 मॉलिक्यूल हो जाता है तो उसका हाफ लाइफ पीरियड कितना हो जाएगा, 5 मिनट। और अगर 10 मिनट के अंदर वो हाफ होता है, मतलब 10 मॉलिक्यूल जो है वो 10 मिनट के अंदर 5 होता है, तो उसका हाफ लाइफ पीरियड क्या हो जाएगा, 10 मिनट्स। तो हाफ लाइफ पीरियड अल्टीमेटली वो टाइम पीरियड होता है रिएक्शन के दरमियान जिसमें क्या हो जाता है आपका जो रिएक्टेंट का इनिशियल कंसेंट्रेशन है वो कितना हो जाए। इज इट क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग हाफ लाइफ पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो कि सेकेंड क्वेश्चन है। तो भैया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ पीरियड की जो वैल्यू है वो क्या होती है, k = 2.303 log a
अपॉन में टी ए माइनस एक्स, जहाँ पर ए क्या है आपका इनिशियल कंसेंट्रेशन है, ए माइनस एक्स क्या है रिमेनिंग कंसेंट्रेशन आफ्टर टाइम आफ्टर हाफ लाइफ दैट इज टी वन बाई टू एंड एक्स इज इक्वल्स टू ए बाई टू। इन दोनों ही वैल्यूज को आप क्या कर देंगे जब इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे तो हाफ लाइफ के बाद में जो वैल्यू क्या हो जाएगी के 2.303 के अपॉन में टी लॉग ए के अपॉन में ए माइनस ए बाई टू। अब ये जो टू है यहाँ पर डिवाइड में है, जब ऊपर जाएगा तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, एलसीएम लेके जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी कुछ ऐसी टी 1/2। ये जो 1/2 है ये टी के सबस्क्रिप्ट में है, थोड़ा सा टाइपिंग में यहाँ पर एरर आने की वजह से मैं इसे ठीक से कर नहीं पाया, तो आप उस चीज़ को बिल्कुल समझिएगा कि 1/2 जो है उसके साइड में ना होकर कहाँ पर है उसके सबस्क्रिप्ट में। और ये जो टू है जब मैं इसका एलसीएम लूंगा तो नीचे हो जाएगा 2a-a और ये ऊपर चला जाएगा। यहाँ से अगर हम लोग देखें तो 2a-a यहाँ क्या होगा, 2a में से एक a जाएगा तो एक a बचेगा और ऊपर वाले a से नीचे वाला a कैंसिल हो जाएगा और यहाँ लास्ट में क्या बचेगा सिर्फ लॉग a आपके पास, लॉग 2 जो है वो आपके पास बचेगा। यहाँ पर ये इट्स नॉट a इट्स 2, ये जो है 2.303 है, 2.303 टी के अपॉन, ये जो ए मैंने अभी हाईलाइट किया हुआ यहाँ ए नहीं आएगा यहाँ पर 2 आएगा, तो ये आपका इसमें कुछ टाइपिंग मिस्टेक है, आप उस चीज़ का बिल्कुल भी नोट मत लीजिएगा। वो हो जाएगा 2.303 अपॉन में टी हाफ लॉग 2 और लॉग 2 की वैल्यू क्या होगी 0.3010। ये लॉग 2 का फिक्स वैल्यू है जो आप लोगों को याद रखना है, लॉग 2 की जगह लॉग 2 की हम लोग यहाँ पर वैल्यू रख देंगे। तो यहाँ पर हाफ लाइफ पीरियड का जो वैल्यू है वो अल्टीमेटली क्या आ जाएगा 0.669 के अपॉन में ए आ जाएगी। अगर आपसे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ पीरियड का फॉर्मूला पूछा जाए तो आपको डायरेक्टली यही फॉर्मूला जो है वो रखना है, जहाँ पर के की वैल्यू आपको दे दी जाएगी तो आप हाफ लाइफ पीरियड जो है वो बहुत ही आसानी से यहाँ पर निकाल सकते हैं। आपको यहाँ हाफ लाइफ पीरियड निकालने में किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी इस फॉर्मूला के बाद, हाफ लाइफ पीरियड फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ओके आगे बढ़ते हैं हम लोग, हाफ लाइफ पीरियड फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में अगर मैं बात करूँ, क्वेश्चन नंबर 5, हाफ लाइफ पीरियड फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपका जो हाफ लाइफ पीरियड है वो क्या होगा, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए इफ द इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज मोल पर लीटर देन एट हाफ द कंसेंट्रेशन लेफ्ट बिहाइंड इज ए बाई टू। इनिशियल कंसेंट्रेशन क्या होगा, अगर ए हो जाएगा तो हाफ लाइफ पीरियड टू एट कंसेंट्रेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी ए बाई टू हो जाएगी। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपका जो रेट इक्वेशन होगा वो क्या होगा, के इज इक्वल्स टू एक्स के अपॉन में टी, जो कि क्या बन जाएगा के इज इक्वल्स टू ए बाई टू टी हाफ, और टी हाफ क्या हो जाएगा आपका वन अपॉन के इन टू ए बाई टू। ये मल्टीप्लीकेशन का साइन है, एक्स नहीं है, ये मल्टीप्लाई का साइन है। तो टी हाफ किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया के के, क्योंकि के कांस्टेंट हो जाएगा टू कांस्टेंट हो जाएगा, दोनों कांस्टेंट हो गए तो हाफ लाइफ पीरियड किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, इनिशियल कंसेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो हाफ लाइफ पीरियड में जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो हाफ लाइफ पीरियड होगा वो क्या होगा, उसके इनिशियल कंसेंट्रेशन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? देखिए अगर आपको इन सारी चीज़ों में, अभी तो ये लाइव क्लास नहीं है इसी वजह से इन सारी चीज़ों में से किसी भी चीज़ में किसी भी तरह का डाउट होता है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं आप लोगों के डाउट को वहाँ से पूरी तरह से जो है वो क्लियर कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6, ये 3 मार्क्स पर सीरीज का लास्ट क्वेश्चन होगा, इसके बाद सिर्फ एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन और है और उसके बाद में आपका जो चैप्टर है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। चैप्टर नंबर सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में अगर हम लोग बात करें तो क्वेश्चन क्या है आपका, डिफाइन थ्रेशोल्ड एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी एंड फ्रिक्वेंसी फैक्टर। इन तीनों टर्म्स को आपको क्या करना है, डिफाइन करना है। कौन सी है तीन टर्म्स, एक है आपकी थ्रेशोल्ड एनर्जी, एक है आपकी एक्टिवेशन एनर्जी और एक है आपकी फ्रिक्वेंसी। थ्रेशोल्ड एनर्जी के बारे में अगर हम लोग बात करें तो थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है, तो द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स टू फॉर्म प्रोडक्ट इज नोन एज थ्रेशोल्ड एनर्जी। वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो किसी भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को चाहिए प्रोडक्ट बनाने के लिए, मतलब देखिए थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद रिएक्टेंट मॉलिक्यूल क्या करता है, प्रोडक्ट बनाना, प्रोडक्ट बनाकर वो उसको उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो अमाउंट में एनर्जी चाहिए उस एनर्जी को क्या कहा जाता है, थ्रेशोल्ड एनर्जी कहा जाता है।
एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में बात करें तो ये वो मिनिमम अमाउंट में, ये एनर्जी का वो मिनिमम अमाउंट होता है जो जब हम रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को देते हैं तो वो क्या हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है। मतलब थ्रेशोल्ड एनर्जी से जो थोड़ी सी कम एनर्जी होती है उसे एक्टिवेशन एनर्जी कहा जाता है। कि मॉलिक्यूल क्या हो गया, एक्टिवेट हो गया, अपनी गाड़ी को क्या कर लिया, स्टार्ट कर लिया। अब जब आप गाड़ी को एक्सेलरेट करेंगे तो गाड़ी आगे बढ़ेगी। थ्रेशोल्ड एनर्जी एक्सेलरेशन एनर्जी हो जाएगी और एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो बिगनिंग एनर्जी हो जाएगी। फ्रिक्वेंसी फैक्टर क्या होता है, तो नंबर ऑफ कोलिजन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स इन 1 सेकेंड इज नोन एज फ्रिक्वेंसी फैक्टर। की 1 सेकेंड में जितने नंबर ऑफ कोलिजन होंगे मॉलिक्यूल्स के वो क्या कहलाता है, उसका फ्रिक्वेंसी फैक्टर कहलाता है। और इसे डिनोट किससे किया जाता है, तो फ्रिक्वेंसी फैक्टर को जो है वो कैपिटल ए से डिनोट किया जाता है। आई होप ये क्वेश्चन आप सभी लोगों को क्लियर होगा। स्टैंडर्ड कुछ डेफिनेशन हैं, इंपॉर्टेंट हैं, आप लोगों को ये डेफिनेशन यहाँ पर याद करनी है। आगे बढ़ते हैं हम अपने सेक्शन में। 5 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों के आ जाते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफाइन अरहेनियस इक्वेशन। अरहेनियस इक्वेशन बैक टू बैक लगातार पूछी जाती है, इसी वजह से आपको अरहेनियस इक्वेशन पर बहुत ही अच्छे से बात होनी चाहिए। अरहेनियस इक्वेशन आपको किसका रिलेशन देती है, तो रेट कॉन्स्टेंट और टेम्परेचर के बीच में जो इक्वेशन आपको रिलेशन शो करती है वो कौन सी इक्वेशन होती है, वो अरहेनियस इक्वेशन होती है। अरहेनियस इक्वेशन की वैल्यू होती है k इज इक्वल टू ए ई सबस्क्रिप्ट सुपर सबस्क्रिप्ट में माइनस ई ए अपॉन आर ई। यहाँ पर आपका जो a है वो क्या है, फ्रिक्वेंसी फैक्टर, ई ए क्या है आपकी एक्टिवेशन एनर्जी, टी आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अब हम क्या करेंगे, हम दोनों ही तरफ ले लेंगे लॉग। हमने क्या ले लिया है, दोनों तरफ लॉग ले लिया है। तो इंटीग्रेशन ऑफ ln, इंटीग्रेशन ऑफ k, मतलब ये देखिए ये जो है इसका मतलब होगा इंटीग्रेशन ऑफ log। तो k का इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं इस तरफ, और इस तरफ हम इस पूरे इक्वेशन का इंटीग्रेशन कर रहे हैं। ये एज इट इज आ जाएगा, उसके बाद में देखिए log m की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, n log m हो जाता है इंटीग्रेशन। तो देखिए जो पावर में है ये क्या जाएगा, आगे आ जाएगा log यहाँ एज इट इज, और उसके बाद में ये वाली वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, और a का इंटीग्रेशन के अकॉर्डिंग हम लोग अलग से कर देंगे। इंटीग्रेशन ऑफ k इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a माइनस ई ए के अपॉन आर टी। यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ e किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। k का इंटीग्रेशन जब हम करेंगे तो 2.303 दोनों ही तरफ मैं ऐड करूँगा, इधर भी ऐड करूँगा, इधर भी ऐड करूँगा। जब दोनों साइड को 2.303 से डिवाइड किया जाएगा तब हमें क्या मिलेगा, log k इक्वल्स टू log a माइनस ई ए के अपॉन में आर टी इंटू 2.303। ये किसका इक्वेशन है, ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। इसीलिए जब हम इस इक्वेशन को एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन के साथ में कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। टेंथ में आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा, इसमें m जो होता है वो स्लोप होता है, उसकी वैल्यू माइनस ई ए के पॉन में आर टी इंटू 2.303 हो जाएगी। अब हम दो कंडीशन सपोज करेंगे, मैंने क्या माना कि टेम्परेचर T1 हो और रेट कॉन्स्टेंट क्या हो, K1 हो। जब log K1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस ई ए के पॉन में आर टी इंटू 2.303 आर टी प्लस log k। और जब टेम्परेचर T2 हो और रेट कॉन्स्टेंट क्या हो, रेट कॉन्स्टेंट क्या हो आपका K2 हो, तब log K2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस ई ए के फॉर्म में आर टी इंटू 2.303 आर टी टू प्लस log K1। जब हम दोनों इक्वेशन को एक दूसरे के साथ सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें फाइनल अरहेनियस इक्वेशन की वैल्यू यहाँ पर जो है वो मिल जाएगी। देखिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वाला जो सेक्शन है मुझे आप लोगों को पढ़ाना है, मुझे याद है कुछ बच्चों का डाउट ये था कि सर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वाला जो है वो जो सेक्शन आपने छोड़ दिया था, उस सेक्शन का आप क्या करेंगे। संडे को मैं थोड़ा सा बिजी था, नेक्स्ट जो है अपकमिंग संडे है उसमें क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज और अरहेनियस इक्वेशन ये दोनों ही जो है ना आपके साथ एक बार वापस डिस्कस करूंगा बिल्कुल डिटेल में। उस टाइम पे जो अरहेनियस इक्वेशन है मैं आपको PDF में ना बताकर वर्ड पर बता दूंगा, मैं आप लोगों के साथ साथ इसे सॉल्व करते हुए चलूंगा, तो अरहेनियस इक्वेशन वहाँ पर आपको जो है और भी ज़्यादा अच्छे से जो है वो क्लियर हो जाएगी। तो आज के इस वीडियो में फिलहाल बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आपके अपने यूट्यूब चैनल युवराज सिंह ठाकुर के ऊपर आप बने रहिए। आप सभी लोगों की सपोर्ट की जो है मुझे बहुत ही ज़्यादा समझ रहती है, बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है,
उस मेहनत के बदले में मैं आप सभी लोगों से, आप सभी लोगों का सपोर्ट जो है वो बिल्कुल एक्सपेक्ट करता हूँ। तो थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, प्लीज टेक केयर, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद।